आवास में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर नगरपालिका परिषद उपाध्यक्ष कन्हैया यादव का अनशन जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ रतनपुर नगरपालिका उपाध्यक्ष कन्हैया यादव द्वारा आज नगरपालिका के सामने टेंट लगाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनशन पर बैठे। विदित हो कि प्रधानमंत्री भारत में आवास योजना केंद्रीय गवर्नमेंट की महती योजना है। इस योजना में कच्चे मकान वालों को पक्के मकान बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा आवास निर्माण में लेट लतीफी करने और हितग्राहियों को चक्कर कटवाने के बाद से उनका आवास नहीं बन पा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर उपाध्यक्ष आज सांकेतिक धरना दिए। रतनपुर में आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हितग्राही भी सामने आकर कहने से कतरा रहे हैं। उन्हें भी यह डर सता रहा है कि कहीं उनका आवास रुक न जाए। इसी तर्ज पर नाम नहीं छापने के शर्त पर एक हितग्राही ने इन कर्मचारियों पर आवास के एवज में पैसे लेन देन करने की भी बात कही, लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि तभी हो पाएगी जब कोई इनके खिलाफ लिखित आवेदन देगा। उपाध्यक्ष कन्हैया यादव का कहना है कि मुझे अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि किसी काम में देरी नहीं की जाएगी और गरीबों का मकान बनाने में नियम के साथ समय पर काम करने की बात कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा कही गई है। अगर फिर भी लोगों को आवास बनाने में परेशानी या लेन देन का मामला मेरे तक किसी हितग्राहियों के द्वारा लाया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है। नगरपालिका रतनपुर आज अनशन जो कि मैंने सांकेतिक रूप से किया था, पीएम आवास योजना है नगरपालिका में जो लेट एटीपी के जो हमारे हो रहा था, हमारे नगरपालिका का जो उच्च अधिकारी है उनके द्वारा इस ग्राहियों को घुमाया जाता है, उनसे लेन देन की बात किया जाता है। इसलिए मैं मौखिक में अवगत कराया था भाई कि यहाँ का जो भी आवास की है ग्राहियों को उसके इसका फ़ायदा मिले, लाभ मिले और उनका काम जल्दी जल्दी हो। इसी लेट लतीफी के नाम से मैं उनको अधिकारी को बोला भी था, आज उसी के नाम से मैं सांकेतिक रूप से आज बैठा था यहाँ पे और उनके द्वारा नगरपालिका से आश्वासन मिला है मेरे को अध्यक्ष महोदय के द्वारा और इंजीनियर के द्वारा। उन्होंने बोला है कि भैया अब इसमें किसी प्रकार लेट लतीफी नहीं होगा, जितने भी हितग्राही हैं उनका काम हम लोग जल्द से जल्द करेंगे और किसी की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आरोप है कि कर्मचारी और नगरपालिका अधिकारी लोग रिश्वत लेके काम कर रहे हैं, ये मौखिक रूप से सुनने में आया है, लेकिन लिखित में अभी तक किसी भी हितग्राही के द्वारा यहाँ आवेदन नहीं दिया गया है कि किसी से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन मौखिक में नगर में सुनने को मिला है। उसको भी मैं इसको इस बात को मैं रखा हूँ कि किसी भी हितग्राही से किसी प्रकार का घुस न लिया जाए और उनका काम को अति शीघ्र किया जाए। हर फाइल के पीछे 1,000 रुपया वसूली किया जाता है, ये मेरे जानकारी में नहीं है क्योंकि किसी ने मेरे जानकारी तक के नहीं दिए। जो हितग्राही अपने स्वयं का बना रहे हैं उनको तो बन ही नहीं रहा है सर। जो भी हितग्राही जो काम चल रहे हैं उन लोग का, कुछ लोग का काम पीछे है और उनके द्वारा भी शिकायत किया गया है, उसी के नाम से मैं बैठा भी था और इसी के मेरे को आश्वासन मिला भी है। प्रत्येक ठेकेदार 3,000 रुपये लेके फाइल आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में मेरे को ऐसा सुनने में आया, इसके बारे में जानकारी। रतनपुर से हरीश मड़वा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।